जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं इस विपदा में सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना अत्यंत गरीब कर रहे हैं। ग्राम प्रधान और कोटेदार की अनुबंध के कारण गरीब परिवार राशन से रह जा रहे हैं। वंचित ताजा मामला तहसील मीरगंज के ग्राम से ज्वालापुर का है, जहां ग्राम प्रधान मेहताब सिंह और राशन कोटेदार बीरबल के बीच खींचातान में गरीब परिवार के ग्रामीण पिस रहे हैं। ग्राम प्रधान का आरोप है कि कोटेदार ने उनके कुछ आदमियों के राशन तहसील में कटवा दिए हैं, जिससे उन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। वहीं कोटेदार का आरोप है कि ग्रामीण प्रधान मुझसे निजी रंजिश मानते हैं, जिसकी वजह से वह ये आरोप लगा रहे हैं। मैं तो गरीब परिवारों को, जिनके पास राशन ना हो, उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहा हूँ और अत्यंत परिवारों को अपने निजी अनाज से भी राशन देता हूँ। ग्रामीण राहुल और राजपूत ने कोटेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार ने हमारे नरेगा कार्ड पर भी पैसे लेकर हमें राशन दिया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उपरोक्त प्रकरण की जांच करने का आग्रह किया है तथा ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत करने की बात कही है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। कहाँ रहते हो? छोटे सावनपुर। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपके? सुंदरीलाल। क्या मामला है? हमें राशन 35 किलो मिलता था, तो आज 5 किलो दे रहे हैं, कह रहे हैं 5 किलो मिलेगा और ना मेरे घर पर कुछ खाने पीने को, तो मैं क्या करूँगा, मतलब भूखे बैठ रहा हूँ, क्या करूँगा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? दिल्ली काम करते हैं बाहर। कहाँ है इस टाइम पर? दिल्ली, कर्फ्यू के चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा, कर्फ्यू में फंसे हुए हैं। कोटा डीलर क्या कह रहा है आपसे? पहले 35 किलो मिलता था, कह रहा था 5 किलो मिलेगा आज। आपने पूछा नहीं कि क्यों दोगे? नहीं। कौन सा कार्ड है? अंतोदय। लक्ष्मण। क्या समस्या आई है? मैं गल्ला दुकान पे पहुंचा तो मेरे से वो, मैंने बोला गल्ला तो फ्री है, बोले कहा तो यहाँ लुट रहा है फ्री। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पैसे लिए, बोले पैसे दो, मैंने पैसे कहा कि वो बोले पैसे अगर नहीं है तो गल्ला नहीं है। आपने कहा नहीं कि सरकार की तरफ से फ्री मिल रहा है? बोला था, मैंने कहा फ्री है, बोले फ्री क्या लुट रहा है यहाँ, बोले आएगा तो मिलेगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है आपका? ये मामला 29 तारीख से कोटा फ्री हो गया है, और जो जॉब कार्ड वालों का भी फ्री था, जॉब कार्ड लेके गया था तो लौटा दिया था, जो बाहर लिस्ट लगी थी नरगे की वो फाड़ दी थी। अच्छा, उसमें कह रहे हैं नाम है नहीं, मैंने की लिस्ट ही नहीं है, नाम कहाँ से होगा, मैंने तुमने लिस्ट तो फाड़ दी है। फिर वो कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि 3 श्रेणी में, जो उनने कई चीज बताई, फिर मैं चला आया उसके बाद में, मैंने बताया था कि भाई इनकी जॉब कार्ड वालों का फ्री है राशन, उनने मना कर दिया, बोले कि 3 श्रेणी, उसमें क्या क्या गिना दिया था, जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए तो वो ऐसे भगा देते हैं, जो एक्शन लेता है उसके पैसे वापस दिए हैं, जिनने नहीं लिया है उनसे पैसे ले लिए। आपसे पैसे भी लिए हैं? पैसे लिए हैं मुझसे। आपको ये पता है कि सरकार ने निःशुल्क मतलब गल्ला कर दिया है राशन? हाँ, मुझे पता है, सरकार ने उनसे मार्च से निःशुल्क गल्ला कर दिया है। अच्छा, तो उन्होंने पैसे लिए आपसे? उन्होंने सभी से ले रहे हैं वो, जो जिन लोगों ने एक्शन लिया उनके पैसे वापस कर दिए, 2-3 लोगों के पैसे वापस कर दिए मेरे गांव के अंदर, और जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया उनके पैसे वापस नहीं दिए हैं। अच्छा, कुल मिला के जिन लोगों ने विरोध जताया पैसों का, उसके वापस कर दिए? हाँ, जिन लोगों ने विरोध जताया उनके पैसे वापस कर दिए। तो आपने नहीं जताया? अब जताना रहा हूँ, विरोध जता रहा हूँ, 2-3 बार जमीन से चक्कर काटते हूँ। अच्छा अच्छा, विरोध करने पे आपको भटकाते हैं बार बार? बार बार भटकाते, कह रहे हैं कर लो जो कुछ करने मिला है, तुम्हारे लिए कर मिलेगी।